प्रोजेक्ट 75 की पांचवी कलवरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 बागीर मंगलवार को इंडियन नेवी को सौंप दी गई। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की कुल 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। मिसेस नेवल ग्रुप फ्रांस इसमें सहयोग कर रहा है। दोनों कंपनीज के बीच 6 सबमरीन तैयार करने के लिए 2005 में करार हुआ था। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि पनडुब्बी से भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। 1 फरवरी 2022 से वागीर ने समुद्री ट्रायल्स शुरू किए। उसने दूसरी पनडुब्बियों के मुकाबले सबसे कम समय में हथियार और सेंसर के प्रमुख ट्रायल्स पूरे कर लिए। इस कार्यक्रम के बाद वागीर को नौसेना को सौंपा गया। इस अवसर पर बोलते हुए एमजीएल के सीएमडी ने कहा कि वागीर की सुपुर्दगी के साथ भारत पनडुब्बी निर्माण में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया है। इस सबमरीन के माध्यम से एमजीएल ने भारतीय नौसेना की क्षमता और आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की है। स्कॉर्पियन क्लास की 4 दूसरी पनडुब्बियां INS कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला पहले ही नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुकी है। इस क्लास की 6 पनडुब्बी वाक्षीर के इन दिनों समुद्री ट्रायल चल रहे हैं और 2023 तक इसे मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2005 में प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को बनाने का करार किया था। इस करार के तहत एमडीएल शिपयार्ड को फ्रांस के साथ मिलकर ये पनडुब्बियां मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में तैयार करनी थी। हालांकि साल 2012 तक नौसेना को पहली सबमरीन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पहली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी कलवरी 2017 में ही भारतीय नौसेना को मिल पाई थी। खंडेरी साल 2019 में नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई और करंज 2021 में मिली। वेला इसी साल नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई। वहीं हिंद महासागर में चीन की तरफ से भारत को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। चीन के स्पाई शिप और युद्धपोत तो लगातार हिंद महासागर में देखे ही जा सकते हैं। साथ ही चीन अपने ओवरसीज बेस भी बना रहा है। श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान और जिबूती में चीन अपने बंदरगाह और मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, जिसके कारण चीनी नौसेना के युद्धपोतों की मौजूदगी भी भारत की समुद्री सीमाओं के पास बढ़ गई है। चीनी नौसेना के पास इस समय 75 से 80 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी चीन 8 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।